मेरे वीरों ते भैनों, अज मैं एक बार फिर थोड़े नाल इस कोविड के संबंध में करोना जिहड़ी बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, उसके बारे गल करना चाहुंदा हां। मैं दो बार कर चुकिया पहला, लेकिन अपने हालात हुण इन्ने बिगड़ रहे ने कि जरूरत मैं समझिया कि थोड़े नाल मैं गल करा। 8,874 नवे केस होए ने कल और 154 बंदियां दी मौत हुई है। उस ता ही असी सरकार नूं कई कदम चकने पए जिहदे नाल असी इस नूं किसी तरीके नाल रोक सकीए। ना रोकण दा तरीका है कोई कि फैले ना, और फैलन वास्ते असी कुछ कदम उठाए ने, दुकानां दा टाइम रखिया, कुछ होर चीज़ां रखिया ने ताकि लोगों का ज़्यादा उत्थे इकट्ठ ना होवे। जदों इकट्ठ हुंदा उहदे नाल गल फैलदी है, तो ये कुछ कदम अजे चके ने, कई ऐलान किए गए ने, और वो इसी संबंध है कि किसी ना किसी तरह आपां करोना नूं रोकीए। तो मैं अज पहला तो पिछले साल जो होया सी इह शहरां दे विच सी, अमृतसर, जलंधर, लुधियाणा, पटियाला वगैरह इधरले पासे, लेकिन हुण यह नवीं जिहड़ी बीमारी आई है जिहनूं यूके स्ट्रेन कहिंदे ने, यह हुण पिंडां दे विच जा रही है और छोटी उम्र के लोगों को भी लग रही है। पहला तो बजुर्गों को लगती सी, हुण छोटे उम्र के। हुण आ देख लो, जलंधर 916, मोहाली 942, फाजिलका 373, मुक्तसर 286, मानसा 533, जिहड़ा असी समझ भी नहीं सकते से कि पिंडां दे विच जाए, हुण इह पिंडां दे विच जा रही है सारी बीमारी। शहरां च घट है, पिंडां च ज़्यादा है। तो इस करके मैं आप नूं इह कहना चाहुंदा हां कि जदों जदों कदे कोई गल हो जाए, अपनी आदत है कहण दी कि कुछ नहीं कुछ नहीं जी, आप ठीक है, थोड़ा जिहा पिंडां दुख रहा है या साढ़े सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी ठंड लग गई या मौसम हो गई या बारिश आ गई या कुछ आ गया, इस किस्म का काम ये ना तुसी करो। किते किते मैं ये भी सुनिया है कि टाइफॉइड आ गया जी, मलेरिया हो गया जी, ये तुसी डॉक्टर नहीं हो, तुसी ना इहदा फैसला नहीं कर सकते। जदों कोई अजिही गल हुंदी है, तुसी इकदम अपने किसी डॉक्टर को जाके उहनूं पुछो, दसे थोनू की किस्म का नुक्सा है, थोनू टाइफॉइड है, थोनू मलेरिया है, या थोनू करोना है, और फिर वह थोनू भेजूगा जिथे तुसी जाके उथा अपना टेस्ट करवा सकते हो। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव निकलिया तो थोनू इहदा इलाज करवाना पवेगा, क्योंकि बहुत तेजी नाल बढ़ रहे हैं। हुण साढ़े तीन किस्म के लैवल ने, असी एक असी लैवल वन कहने, एक लैवल टू और लैवल थ्री। लैवल वन जदों शुरू च ही पता लग जाए, वह तो घर बैठे थोनू दवाई दे देंगे और तुसी उत्थे ठीक हो सकते हो, बाहर जाने की लोड़ नहीं। लैवल टू जदों कुछ देर बाद तुसी अपना जाके डॉक्टर कोल करदे हो, कदे कदे लैवल टू दे विच तुहानू ऑक्सीजन की लोड़ पै जाती है, और फिर लैवल थ्री जिथे बिल्कुल अखीर दे विच जाके जिहड़ी बीमारी है वह बिल्कुल सिरे चढ़ी हुंदी है बीमारी, और उहदे नाल कई मौतां साड़ियां हो गईयां। तुहानू पता है किन्ना पंजाब दे विच मौतां होईयां ने, मैं तुहानू आंकड़े दसां। जद तो एक करोना शुरू हुई है, 9,980 बंदे अपने पंजाब दे विच मौत हुई है। कल 154 सी, लेकिन पूरी शुरू मार्च तो लैके अज तक 9,980 ये साढ़े पंजाबी ने, साढ़े वीर ने, साड़ी भैनां ने, और ये इस करके हुई है क्योंकि आप अनगहली करते हैं। लैवल थ्री जड़ा अखीर तक है, सब तो ज़्यादा केस उत्थे जाते थे, और उत्थे मैनू हुण अपने हस्पतालां दे विच बैड बनाने पए ने। मैं कई बेनती की है कि तुसी बैड बधाओ अपने हस्पतालां विच ताकि इहो जिहे लैवल थ्री के केस आउण। लैवल टू के घट ने, लैवल वन तक घरां च ही हुंदे ने, पर ये सानू इहदा तुसी ध्यान तुहानू देना पवेगा। अगर अपने परिवारां दी तुसी राखी करनी है, उन्होंने बचाउणा है, और जिथे ताईं लोग साड़ी जिहड़ी मदद करने ने, बाबा जी सतगुरु महाराज जी, अपने राधा स्वामी वाले सतगुरु जी, नामधारियां वाले, इन्ने अजे महापुरश ने साडे बल्लां वाले बाबा जी, सारे साड़ी मदद कर रहे ने इस काम च। लोग बाहरले विदेशों तो भेज रहे ने, ओबरॉय जी ने दुबई दे विचों, SP ओबरॉय जी, वो सानू ऑक्सीजन भेजन दी सानू मैनू चिट्ठी लिखी है। पीटर विरदी जी ने UK दे विच, उन्होंने मैनू कहा मैं ऑक्सीजन दे सिलेंडर वगैरह कॉन्सनट्रेटर भेज रहे हैं। और इसे तरीके नाल मैं बेनती करदा जिथे भी साडे पंजाबी ये गल मेरी सुनते हो, तुसी जो भेज सकते हो अपने पंजाब वास्ते भेजो। आपां ने पंजाब नूं सुधारना है, ठीक करना है, और अपने बच्चों नूं बचाउणा है इत्थे, और अपने सूबे नूं बचाउणा है। इस करके मैं तुहानूं इह बेनती कर रहा कि तुसी इस नूं इहनूं ऐ ना समझो कि कोई छोटी जी मोटी बीमारी और निकल जाएगी, ये बहुत भयानक बीमारी है, और हाले आपां सिरे नहीं सिखर नहीं पहुँचे। जो डॉक्टर दसते ने कि 15 मई के गेड़ च आपां सिखर पहुँचांगे, उस तो बाद फिर नीचे नूं आओ, फिर सपटेंबर च 9वें महीने जाके फिर चढ़ सकती है।
1918 दे विच एक स्पैनिश फ्लू आई सी और वह स्पैनिश फ्लू 4 साल रही हिंदुस्तान दे विच और उदो दुनिया की आबादी बड़ी घट सी लेकिन 5 करोड़ बंदिया नू इस दा असर पिया सी उत्थे और इत्थे भी 5-4 साल रही किन्ने मौतां होईयां उदो और उस स्पाइकां च गई पहले उपर चढ़ी फिर नीचे आई फिर उपर गई फिर नीचे आई 4 बार गई 4 सालों च तो सानू इस बीमारी का कुछ नहीं पता किसी माहर नू नहीं पता किसी डॉक्टर नू नहीं पता किसी नू भी नहीं पता कि कदों तक मुकूगी इस करके अपनी राखी आप आपां नू करनी पऊ थोनू अपने परिवारों की और मैनू तुसीं उरे भेजिया मैं अपने पंजाब की और यही मैं करूँगा और मैं आस करदा कि कदे कदे औखी घड़ी पीनी पैंदी आपां नू कदे कदे आपां नू कदम चकने पैणगे जिहड़े थोनू पसंद ना आउण किसी नू लेकिन असी कर रहे हैं पंजाब वास्ते थोड़े परिवारों वास्ते थोड़े बच्चों वास्ते और ताही मैं आस करदा कि चाहे दुकान नू बंद करना पवे चाहे कोई होर चीज़ पंजाब सरकार दसे वो तुसी अमल करो उससे ताकि आपां इस पंजाब नू अपने पंजाब नू आपां इस सुरक्षित रख सकीए तो मैं आस करदा कि तुसी वाहिगुरू तुहानू साडे सारे परिवारों नू चढ़दी कला च रखन थोड़ी 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 सेहत सारयां दी ठीक रहे और आपां पंजाब नू बड़ी जल्दी ही इस औखी घड़ी तो कढ़ीए बहुत धन्यवाद थोड़ा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।